नए साल में करें कुछ खास, करें नई शुरुआत। नमस्कार, मैं हूँ प्राची ठक्कर। नया साल सिर्फ कैलेंडर में ही नहीं बदलता, बल्कि हम सबको एक मौका देता है अपने जीवन में नए बदलाव लाने का। हम सब कोई ना कोई रेजोल्यूशन जरूर करते हैं, कुछ अच्छी आदतों को अपनाने के या फिर कुछ बुरी आदतों को छोड़ने के। आइए देखते हैं इन्होंने क्या नए रेजोल्यूशन लिए हैं। इस साल मैं रोहन पे गुस्सा नहीं करूंगी। इस नए साल में मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाऊंगी। पूरे साल मैं रोज जल्दी उठूंगा। मैं हर रोज एक्सरसाइज करूंगा। मैं रोज ऑफिस टाइम पर ही पहुंचूंगा। इस तरह के कई संकल्प हम सब करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे संकल्पों पे खरा उतर पाते हैं? कुछ लोगों के लिए तो ये बस कुछ महीने, कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिनों की बात होती है, और कईयों के लिए तो ये बस ख्याली पुलाव बनकर रह जाते हैं। अगर गहराई से सोचे तो इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी हम क्यों अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते? जाहिर से बात है, आत्मबल की कमी के कारण। आत्मा में आदतें संस्कारों के रूप में भरी रहती हैं, और अगर हमें इन संस्कारों को बदलना हो तो हमें अपने मन और बुद्धि को प्रबल बनाना जरूरी है। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमारे विचारों में दृढ़ता लाता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोई भी काम अगर हम 21 दिन तक लगातार करते रहे तो वो हमारी आदत बन जाती है। आइए दोस्तों, शुरुआत करें कुछ छोटे छोटे गोल्स के साथ, क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अनुपम आए वर्ष ये है हमारी आस, सब कुछ है निर्भर आप पर, मिलकर करें प्रयास। ब्रह्म कुमारी इस परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।